कटिंग हो गया था। ये देखो कटिंग करना क्यों जरूरी है इसका? एक एक क्यूड़ी अलग अलग हो जाएगी ना। तो फिर ये कराची में चलती हैं या कराची के बाहर भी जाती हैं? ये पूरे पाकिस्तान में ही चलती हैं। पूरे पाकिस्तान में जाती हैं? हाँ, अफगानिस्तान तक जा रही है। अच्छा, अफगानिस्तान तक जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त एक बार फिर हम मौजूद हैं लियाकताबाद में, और लियाकताबाद में आपको दिखाते हैं कि एलुमिनियम की जो चूड़ियां हैं वो यहां पर तैयार की जाती हैं। इससे पहले हैदराबाद में हमने आपको दिखाई थी कि वहां पे जो कांच की चूड़ियां हैं वो किस तरह तैयार होती हैं, और यहां पर इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं तो यहां पर एलुमिनियम की चूड़ियां हैं जो तैयार की जा रही हैं। किस तरह तैयार होती हैं आइए आपको दिखाते हैं। अब आप बताइए क्या काम हो रहा है? ये काम हो रहा है बटाई कटाई का। ये इस तरह से स्क्रिंग बन रहा है। ये बनने के बाद ये जब बन जाता है तो इसे काटते हैं। काटने के बाद इस कतिये पे अलग अलग होता है। ये देखें, दोबारा देखें, ये तार कौन सी है, क्या चीज़ है ये? ये 12 नंबर की तार है। ये ऐसे स्प्रिंग बन रहा है। ये जब बन जाता है तो हम यूँ काट देते हैं। उससे कटिंग हो जाता है। ये देखें, कटिंग करना क्यों ज़रूरी है इसका? एक एक चूड़ी अलग अलग हो जाएगी ना। अच्छा, वो तो जुड़ी हुई है, ये अलग अलग हो जाएगी। वन पीस में ये अलग वन पीस में हो जाएगी। अच्छा, तो ये कितनी चूड़ियाँ अंदाजन होती हैं एक दफ़ा में तैयार? इसमें ये 24 चूड़ियाँ, 80 चूड़ियाँ एक स्प्रिंग में होती हैं। आधा आधा कर लेते हैं तो 40-40 चूड़ियाँ कट जाती हैं। एक रोल कितनी देर में तैयार करता है? एक सेकंड में। क्या उम्र है आपकी? तकरीबन 60 साल की। क्या बना रहे हैं आप? ये चूड़ियाँ बना रहे हैं। अच्छा, तो कितने अरसे से, किस उम्र से बना रहे हैं ये काम कर रहे हैं आप? ये बहुत अरसा हो गया, अब जिंदगी गुजर गई है इसी में। जिंदगी गुजर गई थी। हाँ, तो ये किस चीज़ की चूड़ियाँ हैं ये? ये सिल्वर की है। थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे कैसे बनती हैं ये चूड़ियाँ, क्या तरीका है इसका? मैं ये आपके सामने ही है जो भी आप देख रहे हैं इस। हाँ, ये काफ़ी मरलों से गुजर के ये फिर चूड़ी तैयार होती है भाई। अच्छा, तो ये ऑर्डर की होती है या आप अपने तौर पे बनाते हैं? हम तो मजदूर आदमी हैं, होती है ऑर्डर की है। तो फिर ये कराची में चलती हैं या कराची के बाहर भी जाती हैं? ये पूरे पाकिस्तान में ही चलती हैं। पूरे पाकिस्तान में जाती हैं? हाँ, अफगानिस्तान तक जा रही है। अच्छा, अफगानिस्तान तक जा रही है। वाह, जबरदस्त। कितना टाइम लग जाता है चूड़ियाँ बनाने के, पूरी मुकम्मल काम होने में? ये मुख्तलिफ सैज़ों का काम है ये सब ना। एक घंटा भी लग जाता है, पौना घंटा भी, सवा घंटा भी। मज़ीद अभी कितना काम होना है? कलर वगैरह भी होंगे इस पर? जी, बहुत काम है अभी बताया। अच्छा, इस पर डिज़ाइन भी बनाए जाएंगे? जी। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ जाती हैं चूड़ियाँ? ये छिराई, ये कलर होने के लिए जाएगी। कलर होगा पहले, फिर क्या? फिर क्या? फिर वापस आएगा ये माल, फिर ये पे डिजाइनिंग होएगी, छिलाई होएगी। फिर छिलाई और डिजाइनिंग होगी। हाँ,
उसके बाद ये रेडी हो जाएगा जी, फिर पैकिंग वगैरह पैकिंग होगी। अंदाजन एक दिन में कितनी चूड़ियाँ तैयार हो जाती हैं? ये लेबर के ऊपर बात है, बेहिसाब हो जाती हैं। ऑर्डर की है, ऑर्डर की। ये ऑर्डर आपको कौन दुकानदार देते हैं? दुकानदार ही देते हैं। हाँ ये हम तो मजदूर हैं, मैं ये तो हम पहले बता चुके हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह है, ये टूटती नहीं है ये। हाँ सबसे पहली बात तो ये टूटती नहीं, ये मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। ये सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है, सिल्वर की कटिंग। चलो।